How to be a profitable trader, part 5. Risk management, very important, सबको पता होना चाहिए और कोई बताता भी नहीं है जल्दी. So आज देखते हैं risk management. 5000 suppose मेरी risk है, मैं month में 5000 से ऊपर एक भी रुपये loss नहीं करना चाहती. तो 5000 divide by 20 trading days is equal to 250 is my risk. मतलब पर डे मैं लॉस 250 के ऊपर नहीं देखूंगी. अब इसको कैसे मैनेज करें कि 250 ही लॉस हो. रिस्क मैनेजमेंट 250 डिवाइड बाय स्टॉप लॉस. मतलब स्टॉप लॉस अगर मेरा 5 रुपए का है एक ट्रेड में, तो मुझे 50 क्वांटिटीज लेनी पड़ेंगी. अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे 50 क्वांटिटीज के हिसाब से सिर्फ 250 लॉस होगा.